को बिहार राज्य डाटा एंट्री एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ राज्य कमेटी के दरभंगा इकाई के द्वारा अपनी एकल विभागीय सेवा समायोजन मांग को लेकर जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मेहता की अध्यक्षता में दरभंगा जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों कार्यालयों में जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड एवं अंचल में लगभग 250 की संख्या में कार्यरत सभी प्रोग्रामर असुलिपिक डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आईटी बॉयज गर्ल लहरियासराय पोलो फील्ड स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। की मांग जो मुख्य मांग है एकल मांग सेवा समायोजन है। हम लोगों को विभागीय सेवा समायोजन विगत 20 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं सरकार के विभिन्न कार्यालयों सरकारी कार्यालयों और प्रखंड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय स्तर और राज्य स्तर पर हमारी जो है हम लोग हैं और हम लोगों की एक मुख्य मांग है सेवा समायोजन, जिस वजह से हम लोग इस चीज से वंचित रहने के कारण कभी भी कार्यालय प्रमुख के द्वारा हम लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जिसमें हम लोग जितने भी बेल्ट्राउन कर्मी है हम लोगों को बेल्ट्राउन से नियोजन होता है और एक थर्ड पार्टी उर्मिला को रख लिया गया है और उनको सिर्फ दिखावा के लिए गवर्नमेंट रखी है और उनके द्वारा हम लोगों को भुगतान करा करके एक सोची समझी राजनीति के तहत सरकार जो है हम लोगों को छल रही है, जो अब चलने वाली नहीं है। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। आज पहली बार जो हम लोग आज इस माह में एक दिवसीय धरना कर रहे हैं, इसके बाद कल से यानी 6 से लेकर के 11 नवंबर तक हम लोग काला बिल्ला लगा करके अपने सभी सरकारी कार्यालयों में काज करेंगे। उसके बाद भी सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सरकार हम पर यदि ठोस निर्णय लेकर हमारा सेवा समायोजन का कार्य करेगी तो ठीक है, यदि नहीं करती है तो हम लोग लाचार होकर के 28 और 29 नवंबर 2023 को दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर जाएंगे। उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी सारी बिहार सरकार की होगी। ये हम लोगों की मांग है और हमारी मांगों को सरकार पूरी करे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम यही मांग बिहार सरकार से करते हैं। हम लोग पिछले 25 सालों से लगातार आउटसोर्स के रूप में हम लोग काम करते आ रहे हैं, सरकारें जो है कि हम लोग पे ध्यान नहीं देती, तो हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का समायोजन हो, हम लोग को भी इस स्टेट में एक मान सम्मान मिले, जो कि आज इस कदर से हम लोग एक कर्मी कहे जाते हैं कि खुद को कर्मी कहने में भी शर्म आती है, तो हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे भी मान सम्मान का ख्याल रखा जाए। आपके लिए ही हम काम करते हैं, आपके स्टेट में हम आपके लिए ही जो होता है करते हैं, जिससे कि आपका ही मान सम्मान बढ़ता है, तो हमें समायोजन करने में उनके घर से कोई जाता नहीं है, जिससे कि उनको कोई लस होता नहीं है, जहाँ तक कि उनका हम लोग कुशल कर्मी का आएंगे जिससे कि उनका और भी देश में नाम होगा, सम्मानित वही होंगे। आज हमारे ही डाटा के बल पे वो अपने आप को अवार्ड जहाँ तहाँ पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक समय आया इसमें वो हम ही लोग का नाम आता है, हम ही लोग के बदौलत वो एक स्थान प्राप्त किए हैं, तो फिर हमें क्यों इस नज़र से देखा जाता है जो कि खुद को हम लोग कर्मी करने में भी शर्म महसूस करते हैं। तो सरकार से मेरा एक ही अपील है कि हमें समायोजन करें और एक सम्मान दर्जा दें जो हम भी अपने आप को सम्मानित महसूस करें। मेरा नाम रमेश कुमार राय हुआ, आई टी बॉय। सेवा समायोजन को लेके जो हम लोग की जाए, बहुत दिन से 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं लगातार, लेकिन हमेशा आशा दिया जाता है लेकिन आज तक किया गया कुछ नहीं। हम लोग का शोषण होता है हर तरह से, जब भी जरूरत पड़े तो मतलब उस ढंग से यूज कर लो, आज नहीं पड़े तो फिर वो इस ढंग से। अगर हम लोग का समायोजन सरकार करे तो करे, नहीं करे तो हम लोग फिर अभी 6 दिन एक मतलब सोमवार से शनिवार तक काला बिल्ला लगा के काम करेंगे, फिर इसके बाद 28 एवं 29 नवंबर को सामूहिक हड़ताल पे जाएंगे। इसके बाद भी अगर नहीं मांग पूरी की जाए तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। आपका नाम? रानी कुमारी। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सेवा समायोजन। ठीक, अपना नाम? आयुषी प्रियदर्शी।